सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ ही बेल आइकन का घंटी है उसको भी क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही जुड़ते रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑफिशियल उसन चकमा यूट्यूब। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आप एक इजीली आसानी से एक एप्स कैसे बना सकते हैं कोडुलर पे। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेगा वीडियो को। तो इससे पहले मैं दिखाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए शायद भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और लाभदायक भी हो सकता है। तो इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, आप कैसे एक ऐप्स बना सकते हैं वो ब्राउजर। ठीक है, जो कि जैसे यूसी ब्राउजर टाइप्स का होता है, उस टाइप का मैं बना के दिखाऊंगा। वैसे मैं ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें बस मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। तो इसको मैंने खोल लिया, तो मैं जाते हैं ब्राउजर पे, तो ध्यान से देखना दोस्तों। तो चलिए मैं जैसे ब्राउजर पे क्लिक करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लोडिंग स्लो चल रहा है, क्योंकि मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चलता है दोस्तों। तो ध्यान से देखा है दोस्तों, वे शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेंगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसका AIF फाइल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरह का इंटरफेस। सबसे पहले हम एक स्क्रीन ले लेते हैं। ठीक है, एक तो स्क्रीन बना लिए, तो इसी तरह स्क्रीन आप कोई भी एक ऐप का नाम लेके आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से किया था, आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ से क्रिएट करने के बाद जैसे मैं ये क्रिएट कर लिया, कोई भी एक ब्राउजर नाम दे दीजिएगा आप, जिस तो इसी तरह का इंटरफेस आएगा आपको। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो इसमें क्या कीजिएगा आप, उसके बाद आप नीचे यहाँ जो है जो एसन कलर बैकग्राउंड का दे सकते हैं। इसमें फिर क्या कीजिएगा, मैंने क्या किया फिर इसमें ओके, तो उसके बाद मैंने क्या किया इसमें नीचे एप्स का नाम आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ एप्स का नाम लिख दीजिए, यहाँ एक बैकग्राउंड फोटो फिलहाल आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें ऐप्स का आइकन जरूर जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐप्स का कोई भी एक लोगो वगैरह उसमें होना चाहिए, 512x512 का उसका PNG होना चाहिए आइकन। ठीक है, आप खुद का बनाया हुआ दे दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो कॉपीराइट हो जाएगा, गूगल से यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत इस तरह का चल रहा है। देखिए इसमें भी लिख दीजिएगा, टाइटल में दीजिएगा। तो इसमें आप वर्जन अभी क्योंकि गूगल प्ले स्टोर जो है बहुत ही थोड़ा टॉप हो चुका है, टाइट हो चुका है, अब पहले जो 1.0 वर्जन यूज होता था वर्जन को, तो आप इसमें देखिए बेहतर होगा, क्योंकि दिसंबर के बाद आपको वर्जन को चेंज करना होगा दोस्तों, नहीं तो चेंज नहीं करोगे हो सकता है आपका एप्स जो है रिजेक्ट या तो सस्पेंड किया जा सकता है। इसलिए पहले से आप क्या बनाएंगे, इसका वर्जन कोड जो है 3 रखिएगा, नहीं तो 4 रख सकते हैं। ठीक है, 3 इसके नीचे जो वर्जन नेम में 3.0 रख दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आप टाइटल विजिबल नॉट कीजिएगा, टाइटल नॉट विजिबल लीजिए। ठीक है, इसमें टिक नहीं लगाया, टिक लगाओ तो इसमें इस तरह का दिखेगा, तो मैं इसमें अनटिक कर देता हूँ। ठीक है, अनटिक करने के बाद फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक स्पेस ले लिया है, एक स्पेस जैसे ले लिया, इसमें स्पेस एक ले लिया। ठीक है, इसके अंदर तो स्पेस में आप इसका हाइट जो है 5 पिक्सल कर दीजिएगा, इसका वेट जो है फिल फ्रेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इसका विजिबल इसमें ठीक मत लगाएगा। उसके बाद मैंने एक होम में से होम अरेंजमेंट यानी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से एक मैंने क्या लिया, अरे थोड़ा स्लो चलता है दोस्तों इसके लिए सॉरी। तो यहाँ से मैंने एक क्या लिया, वर्टिकल अरेंजमेंट लिया। ठीक है, यहाँ से वर्टिकल अरेंजमेंट ले लिया, तो इसको मैं नाम रख दिया होम अरेंजमेंट। यहाँ से एडिट करके आप यहाँ से क्या करेंगे, एडिट करके आप इसमें से होम अरेंजमेंट करके नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप क्या करेंगे, इसके अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, उसके अलाइन वर्टिकल भी सेंटर कर दीजिए, इसका बैकग्राउंड चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, और इसका हाइट और वेथ जो है फिल फ्रेम दोनों कर दीजिएगा, यहाँ से ठीक से विजिबल कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, इसके अंदर ये वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जैसे मैं यहाँ से हम लोग यहाँ से ले लेंगे,
फिर यहाँ क्या करेंगे, आपको यहाँ भी अलाइनमेंट सेंटर कर लीजिएगा, इसका अलाइनमेंट वर्टिकल भी सेंटर कर लीजिएगा, इसमें बैकग्राउंड चेंज कर दीजिएगा, आप चाहे तो जो भी मन चाहे इसी तरह। उसके बाद आप यहाँ कीजिएगा हाइट, इसे ऑटोमेटिक रख दीजिएगा, लेकिन विथ फील फ्रेंच कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे विजिबल आप चाहे तो कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते, ठीक लगा दीजिए। अब उसके बाद होरिजन अरेंजमेंट के अंदर एक लेवल ले लेंगे हम, ठीक है। लेवल यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से लेवल आप यहाँ से ले सकते हैं, लेवल यहाँ से कहाँ गया, तो लेवल कोई एक ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक लेवल ले लीजिएगा, मैंने एक लेवल ले लिया, तो इसमें मैंने लेवल लिया, इसका फोन साइज इतना रख दीजिएगा। उसके बाद आप इसका हाइट जो है तो पिक्सल रख दीजिएगा, उसका विथ जो है ऑटोमेटिक रख दीजिएगा, इसे तैसे कुछ नहीं करना है। इसके टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिएगा, टेक्स्ट कलर आप चाहे तो चेंज करते हैं, विजुअल कर सकते हैं नहीं तो कर सकते हैं। उस लेवल के बाद आप एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है आपको, ठीक है दोस्तों। टेक्स्ट बॉक्स एक ले लेना है आपको, टेक्स्ट बॉक्स देखिए यहाँ से, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से एक ले लेना है उठा के। जैसे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लेंगे, आप क्या करेंगे इसके बाद, इसका हाइट जो है 40 पिक्सल लगा देंगे, इसका वही जो है फिल फ्रेंच कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका हिंद पे इंटर योर चार्ज लिख दीजिएगा, ठीक है, इंटर योर चार्ज लिख दीजिएगा फिल। उसके बाद हम फिर से एक लेवल ले लेंगे, वहां से उठा के लेवल ले लेंगे, देखिए यहाँ से एक फिर से एक लेवल ले लेंगे। लेवल में आपको फिर से यहाँ क्या करना है, इसपे इस लेवल में इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें नीचे जाएगा, इसका टेक्स्ट एलिमेंट लेफ्ट कर दीजिए, कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम एक सर्च बटन लगाएंगे, सर्च बटन यानी हम लोग एक बटन लगाएंगे यहाँ से ऊपर, एक बटन लगाएंगे यहाँ से इसके नीचे, ठीक है, लेवल के नीचे एक बटन लगाएंगे। जैसे हम बटन लगाएंगे तो इसमें देखिए ऊपर से मैं दिखाता हूँ, इसके जो है इनेबल कर देते हैं बटन का, इसका चाहे तो बोल कर सकते हैं, नहीं बोल मत कीजिएगा। इसके बाद आप इसका हाइट 40 पिक्सल रख दीजिए, इसका वेट भी 40 पिक्सल रख दीजिए, इसका इसमें आप चाहे तो एक इमेज रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इमेज एक डाउनलोड कीजिए, जैसे मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है, यहाँ से ऐसे कीजिएगा डाउनलोड, इसी तरह यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से अपलोड इसी तरह कर देंगे, ऐसे डाउनलोड अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बस डेमो के लिए इसमें बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो को, थोड़ा स्किप भी मत कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो को, तो यहाँ से उठा के आप आपका जो है कंप्यूटर से कर लीजिएगा, ठीक है, सब इसे काट कर देता हूँ। उसके बाद जो है इसमें इमेज एक दे दीजिएगा, इसके नीचे जो है जाएगा, इसमें अलाइन टेक्स्ट अलाइन में इसका सेंटर कर लीजिएगा, इसके जो है टेक्स्ट कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं नहीं तो छोड़ दीजिए। अब उसके बाद जो है इसमें विजिबल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते हैं, एक उसके बाद एक और लेवल लेते हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के बाद बाहर में, ठीक है, एक लेवल ले लेते हैं हम, यहाँ से एक लेवल ले लेंगे। लेवल लेने के बाद आप यहाँ क्या कीजिएगा, हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग जैसे इसका हाइट आप 1 पिक्सल रख दीजिए, आप चाहे तो 2 पिक्सल 3 पिक्सल जो चाहे रख सकते हैं, ठीक है, मैं इसमें 1 पिक्सल अपने मर्जी से, तो उसका वही जो है ऑटोमेटिक रख दिया। उसके बाद हम इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है लेफ्ट करके, इसका टेक्स्ट कलर आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, अपने मर्जी। उसके बाद मैंने एक इसमें इसके लिए एक एटमोव बैनर लिया, ठीक है, तो एटमोव बैनर के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके नीचे जाना पड़ेगा, इसके मोनिटाइजर में जाना पड़ेगा, इसमें जाने के बाद एडवर्टाइज में जाएंगे, तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा ऊपर वाला एडमोव वाला, ठीक है। तो यहाँ जैसे करेंगे आप, क्योंकि पहले से बना हुआ है, मैंने इसमें फेस कर दीजिएगा, आप शुरू में जब करेंगे तो इसमें ऐसे अनटिक कर दीजिएगा, ठीक है, इसमें अनटिक कर दीजिएगा आप, अनटिक करने के बाद ही इसमें लगाइएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ टिक मत कीजिएगा, इसमें टेस्ट मोड नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसमें विजिबल चाहे तो अनविजिबल कर सकते, नहीं तो अनविजिबल कर सकते हैं, देखिए इसी तरह, ठीक है, तो मैं इसमें अनविजिबल से कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। उसके बाद और एक लेवल लेना है आपको, ठीक है दोस्तों, इसमें और एक लेवल लेना है, यहाँ से यूजर इंटरफेस में जाएंगे, यूजर इंटरफेस जाने के यहाँ से एक लेवल ले लीजिएगा, यहाँ से लेवल ले लेंगे, तो इसमें क्या कीजिएगा, तो इसके नीचे चले जाएंगे, इसका हाइट जो है तो पिक्सल रख दीजिएगा, इसका उधर 5 पिक्सल इसी तरह रख दीजिएगा आप चाहे तो, ठीक है, अब आपका मर्जी से आप जो चाहे रख सकते हैं, ज्यादा मत लीजिएगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये लेवल है, ठीक है, तो इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट कर दिया, आप चाहे तो इसके मिडिल भी कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, अपना मर्जी से कर लीजिएगा। तो इसमें टेक्स्ट कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, विजिबल या अनविजिबल कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, तो इसी तरह आप कुछ नहीं करना है। उसके बाद और एक आपको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेना है, तो यहाँ देखते हैं, आप दिखाते हैं अरेंजमेंट, देखिए देखिए यहाँ से एक हाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रोल अरेंजमेंट लेना है आपको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल अरेंजमेंट यहाँ से आपको लेना है उठा के, फिर इसके बाद यहाँ बाहर नेक्स्ट में लगा देना है। तो जैसे ही यह लगा देंगे तो यहाँ से आपको भी यहाँ से क्या कीजिएगा, अलाइनमेंट सेंटर लेफ्ट कीजिएगा, इस
सॉरी अलाइनमेंट हॉरिजेंटल जो है ये लेफ्ट कर दीजिएगा, इस अलाइनमेंट वर्टिकल जो है ये सेंटर पे कर दीजिए, ऐसे आप बैकग्राउंड चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसका हाइट जो है ऑटोमेटिक रख दीजिएगा, इसका विड्थ जो है फिल फ्रेंड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप चाहे तो फोटो कोई भी इमेज डाल सकते हैं, आप जो है इसमें स्क्रोलेबल या तो अनस्क्रोलेबल रख सकते हैं, ठीक है। यूज राउंड का चाहे तो कर सकते हैं, विजिबल या अनविजिबल भी कर सकते हैं, आपको लोग का मर्जी है। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल अरेंजमेंट के अंदर हम लोग एक और बटन लिए थे, यहाँ से कहाँ से लिए थे, एक बटन यहाँ से लिए थे, इंटर यूजर इंटरफेस में फिर चले चले जाएंगे। यूजर इंटरफेस में जाने के बाद यहाँ ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर में बटन एक ले लेंगे यहाँ बटन में। तो यहाँ बटन में हमने गूगल बना के रखी है, तो इसमें कोई भी इसमें देने के लिए, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ से एडिट कर लीजिएगा। एडिट करने के बाद आप नाम लीजिए गूगल नाम से, जैसे मैंने गूगल रख दिया, ठीक है, आप इसी तरह रख दीजिएगा। उसके बाद ये इसका जो हाइट देख लीजिए एक बार, इसका हाइट जो है 50 पिक्सल रख दीजिए, विथ जो है 50 पिक्सल। इसमें एक आपको जो है फोटो जो अपलोड करना होगा गूगल का, गूगल का पिक्चर यहाँ रख दीजिएगा, इसमें तो अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ जो है इसी तरह आप जिसे बस फॉलो करना है जैसे यहाँ किया, ठीक है। इसका शेप चाहे तो आप जिस तरह करना है गोल रख सकते हैं या तो स्क्वायर रख सकते हैं, आप तो किस की तरह रखना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऑटोमेटिक रख दिया, इसमें डिफॉल्ट है, तो इसी तरह आप चाहे तो जो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे और तरह जाते हैं इसके नीचे, ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, इसके टेक्स्ट अलाइनमेंट जो सेंटर में रख दीजिएगा और कुछ नहीं। इसके बाद बटन के बाद हम लोग फिर क्या लेंगे, एक लेवल और लेंगे, ठीक है। एक ये लेवल यहाँ से ले लेंगे, एक लेवल लेने के बाद यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आप लोग जो है इसका हाइट जो है ऑटोमेटिक रख दीजिएगा, इसका विड्थ जो है 8 पिक्सल रख दीजिएगा, ठीक है, अपना मर्जी, 6 पिक्सल, 8 पिक्सल या 10 पिक्सल जो चाहे मन रख सकते हैं, ठीक है। इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट कर दीजिए, इसका टेक्स्ट कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद लेवल के बाद हम लोग फिर से एक बटन ले लेंगे, यहाँ से बटन ले लिया, जैसे मैंने भी बटन ले लिया, तो यहाँ पे बटन जैसे इसी तरह जितने भी बटन आएंगे सब बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे गूगल किया, इसमें आप आ गया, मैं यूट्यूब जोड़ दिया, आप चाहे तो कुछ भी जोड़ सकते, कोई भी वेबसाइट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो चाहे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बटन ले लिया मैंने भी, ये इसको एडिट कर लीजिएगा, इसमें ये बटन जो है यहाँ से एडिट कर लीजिएगा। एडिट करने के बाद यहाँ लिख दिया जाए यूट्यूब बटन नाम से, ठीक है, यूट्यूब बटन नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया यूट्यूब बटन, ठीक है। तो इसी तरह आप भी लिख देंगे इसी तरह। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ जाएगा, सॉरी, हाँ, यूट्यूब बटन ले लेंगे, ये भी बराबर कर दीजिएगा, हाइट 50 पिक्सल, वेट 50 पिक्सल, इसका फोटो एक डाल अपलोड कीजिएगा यूट्यूब का, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ उसके बाद नीचे जाएगा टेक्स्ट बराबर इसी तरह से बस फॉलो करना है। उसके बाद और एक लेवल लेना है आपको, ये लेवल भी वही भी इसी तरह रखना है, जैसे फॉलो करना है बस, ठीक है, जैसे किया गया पहले ये नाइल वाल, इसमें भी इसी तरह करना है लेवल। तो उसके बाद लेवल लेने के बाद हम लोग फिर क्या कि एक और एक बटन ले लिया यहाँ से, बटन लेने के बाद ये रख दिया हम फेसबुक यहाँ, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं फेसबुक बटन रख दिया है, एडिट करके आप लिख लीजिएगा फेसबुक बटन नाम से, क्या था कि आप लोग भूल ना जाए, गड़बड़ा ना जाए, ठीक है, इसलिए ये एडिट करके आपको इसी तरह नाम से रख दीजिएगा, ठीक है, कौन कौन सा शायद आप एड कर रहे हैं। तो इसी तरह भी यहाँ पे 50 पिक्सल, 80 सॉरी 50 पिक्सल, 50 पिक्सल विथ हाइट रख दीजिएगा दोनों, इसमें से एक फेसबुक का फोटो ये जो PNG 512x512 वाला आप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है और एक हम लोगों ने लेवल ले लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक लेवल ले लिया, इसमें लेवल भी इसी तरह जैसे पहले चलते आ रहा है उसी तरह आप ये कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग फिर से एक बटन ले लिया, ये बटन जो है यहाँ से फिर से एक ले लिया, ये बटन जो है अमेजोन मैंने रख दिया यहाँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ अमेजोन रख दिया, यहाँ भी इसी तरह आप रख लीजिएगा, यहाँ से हाई जो है 50 पिक्सल रख दीजिएगा, वही 50 पिक्सल रख दिया, यहाँ अमेजोन का फोटो एक PNG अपलोड कीजिएगा, ठीक है, जो कि 512x512 का होता है, ठीक है। ये मुझे लगता है आप लोग खुद बना के अपलोड कर दिया, क्योंकि मैंने ये खुद का बनाया हुआ इसमें अपलोड किया है, ठीक है, और गूगल से कुछ अपलोड मत कीजिएगा। गूगल से अपलोड करने से क्या होता है, इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, और शायद अगर कोई भी हो सकता है आप एप्स बना के जो है गूगल प्ले स्टोर में आप मान लीजिए डाल देते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उसमें जो है आपका एप्स क्या हो जाता है, सस्पेंड या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे आ जाता है, इसलिए उसमें गूगल की तरफ से इसमें कुछ उसमें प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ इसी तरह से दिया जाता है यूज ना करने के लिए। उसके बाद ये करने के बाद एक और लेवल ले लीजिएगा, लेवल में भी इसी तरह कर लीजिएगा। उसके बाद लेवल लेने के बाद और एक बटन ले लीजिएगा, यहाँ से बटन ले लीजिएगा, बटन यहाँ दे दीजिएगा इसी तरह, इसमें भी हाइट और विड्थ जो है 50 50 पिक्सल रख दीजिएगा। उसी तरह ये मैंने क्या रख दिया, इंस्टाग्राम बटन, तो यहाँ एडिट करके इंस्टाग्राम बटन रख दिया, तो यहाँ का इंस्टाग्राम का एक फोटो यहाँ अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ। उसके बाद अब क्या कीजिएगा, नीचे जाएगा, एक और लेवल लेना पड़ेगा आपको, यहाँ एक लेवल ले लिया, यहाँ लेवल लेने के बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ भी उसी तरह दीजिए, इसका हाइट जो है ऑटोमेटिक रख दीजिए, वेट भी 8 पिक्सल रख दीजिएगा। उसके बाद और एक हम लोग बटन ले लेंगे, यहाँ से बटन लेने में ही उसमें
आप खुद का चैनल जोड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल अगर आपका है तो उसमें आप जोड़ सकते हैं। मेरा ये यूट्यूब चैनल मेरा इसमें जोड़ दिया, माय यूट्यूब चैनल पर के आप चाहे तो कोई भी एड शायद जोड़ सकते हैं। ये बस मैं दिखाने के लिए मैं खुद का यहाँ जोड़ दिया, माय यूट्यूब चैनल लिख दिया जाए या तो यूट्यूब चैनल लिख दिया जाए बटन, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी इसी तरह 50 पिक्सल 50 पिक्सल यहाँ से यूट्यूब बटन का आपका जो लोगो है यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है कौन सा गया था, इसमें जो है ओरिजिनल स्क्रोलमेंट, ओरिजिनल स्क्रोल अरेंजमेंट जो है यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आप उसके बाहर में हम लोग एक क्या लेना है यहाँ देख लीजिएगा, एक वर्टिकल अरेंजमेंट और लेना होगा आपको। यहाँ देखते हैं, आपको यहाँ जाइएगा, यहाँ देख लीजिएगा आपको क्या करना है, होरिजेंटल अरेंजमेंट आपको और लेना होगा यहाँ से, ठीक है। होरिजेंटल अरेंजमेंट यहाँ से और एक ले लीजिए, जैसे होरिजेंटल अरेंजमेंट यहाँ से ले लेंगे तो इसको आप रख देंगे ब्रांडिंग स्क्रीन, क्या रख देंगे, यहाँ से एडिट कीजिएगा। यहाँ से एडिट करने के बाद यहाँ लिख लीजिएगा ब्रांडिंग स्क्रीन नाम से, इसी तरह जैसे मैंने लिखा हूँ, ठीक है। सो मैंने इसमें लिख दिया, तो इसमें जो है ये स्क्रीन हॉरिजॉन्टल स्क्रीन जो है आप क्या करेंगे, हाइट भी फिल करें वेट भी फिल करें कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें विजिबल या अनविजिबल कर सकते हैं चाहे तो। इसके अंदर और एक इमेज हम लोग डालेंगे, इमेज कहाँ से डालेंगे, इंटरफेस में जाएंगे, यूजर इंटरफेस में, यूजर इंटरफेस में जाएंगे तो यहाँ जो है इमेज का बटन ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इमेज एक ले लेंगे, यहाँ से इमेज ले लेंगे तो यहाँ डाल लेंगे इमेज। आप क्या करेंगे, ये इमेज आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, इमेज आपका हाइट जो है 200 पिक्सल रखना होगा, इसका वेट भी 200 पिक्सल करना होगा, ठीक है। और इसमें एक फोटो डाल दीजिएगा कोई भी, ठीक है, इसके क्योंकि ये ब्रांडिंग का आ रहा है, ठीक है, ये ब्रांडिंग के लिए। उसके बाद हम लोग इसके बाद फिर एक वेब व्यूअर ले लेते हैं। वेब व्यूअर कहाँ लिए से, कहाँ से लिए हम लोग, यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाते हैं लेआउट पे जाते हैं, फिर व्यूज में जाते हैं, यहाँ देखिए वेब व्यूअर यहाँ से ले लेंगे, यहाँ डाल देंगे, ठीक है, वेब व्यूअर। तो यहाँ वेब व्यूअर में आपको क्या लिखना होगा, तो एक कोई भी यहाँ से शायद आप खुद अपना जोड़ दीजिएगा, क्योंकि और इसमें जो है वेट हो रहा है तो ऑटोमेटिक रख दीजिएगा। इसमें जो है होम यूआरएल डालना पड़ेगा, होम यूआरएल में जैसे मैं आज तक का तो कोई भी एक साइट ले लीजिएगा, जैसे आज तक यहाँ सर्च कीजिएगा आप कोई भी वेबसाइट, इसी तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लिख के यहाँ आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे मैं आज सर्च कर रहा हूँ कोई भी एक वेबसाइट, इसमें कोई भी एक वेबसाइट इसी तरह रख सकते हैं, जैसे आप खुद का वेबसाइट रख सकते हैं कोई भी, या तो न्यूज़ का वेबसाइट, यहाँ इसका यूआरएल बस कॉपी करके यहाँ क्या करना है आपको, बस यहाँ पे लाके यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है, इसके यूआरएल। उसके बाद यहाँ स्क्रोल भी कर सकते हैं, चाहे तो जूम भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ मुझे तो लगता है टिक ना लग कीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं क्या हूँ वैसे करना है। उसके बाद हम लोग उसके बाद एक क्लॉक लेना है दोस्तों। क्लॉक कहाँ से लेंगे, यूजर इंटरफेस में जाएंगे, यूजर इंटरफेस जाने के बाद हम लोग क्लॉक कहाँ मिलेगा, सॉरी यानी हमें क्लॉक यहाँ मिलेगा, सेंसर में जाना पड़ेगा, सेंसर में जाएगा, सेंसर में जाने के बाद एक क्लॉक मिल जाएगा, यहाँ से क्लॉक उठा के ले लीजिएगा, यहाँ से डाल दीजिएगा, तो क्लॉक यहाँ रख दीजिएगा। क्लॉक का टाइमर जो है इसमें ऑलवेज प्रायोरिटी मत दीजिएगा, क्लॉक का टाइमर हम 3000 कर दिए, ठीक है, 3000 आप भी कर दीजिएगा, यहाँ टाइमर इनेबल कर दिए, ये जो है टाइम ऑलवेज फायर इसमें टिक मर दिए, बस जैसे मैं किया वैसे कर दिए। उसके बाद हम लोग एक्सटेंडेड व्यूअर एक लिया, एक्सटेंडेड व्यूअर देखें, तो एक्सटेंडेड व्यूअर कहाँ से ले लिया, एक्सटेंडेड व्यूअर जो है यहाँ से दे देते हैं यूटिलिटीज, एक्सटेंडेड व्यूअर यहाँ नीचे जाते हैं, सॉरी इसको देखना पड़ेगा, एक्सटेंडेड व्यूअर कहाँ से लिए हम लोग, एक्सटेंडेड व्यूअर एक्सटेंडेड व्यूअर यहाँ से एक खोजना पड़ेगा हमें, एक्सटेंडेड व्यूअर तो यहाँ से खोज के आप एक्सटेंडेड व्यूअर एक रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एक्सटेंडेड व्यूअर अगर मिल जाता है तो यहाँ से सोशल में जाते हैं, एक्सटेंडेड व्यूअर कहाँ पर, एक्सटेंडेड व्यूअर यहाँ से सेंसर में एक बार देखते हैं, एक्सटेंडेड व्यूअर यहाँ है क्या, एक्सटेंडेड व्यूअर तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है नज़र, मैप पे जाके देखते हैं, एक्सटेंडेड व्यूअर यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा है। इस बार ड्रॉइंग एंड एनिमेशन में जाते हैं, इसमें भी नज़र नहीं आ रहा है, मीडिया पे जाके देखते हैं इसमें एक्सटेंडेड व्यूअर है कि नहीं, एक्सटेंडेड व्यूअर इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है आप लेआउट पे होना चाहिए, लेआउट पे यहाँ लिस्ट में देखते हैं एक्सटेंडेड व्यूअर है कि नहीं, इसमें भी नहीं है, हम नेविगेशन में इस पर देखते हैं, व्यूज में देखते हैं, एक्सटेंडेड व्यूअर इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, मुझे लगता है यूजर इंटरफेस में ही होगा, ठीक है, यूजर इंटरफेस में देखते हैं, एक्सटेंडेड व्यूअर देखते हैं, इसमें एक्सटेंडेड व्यूअर जो है, एक्सटेंडेड सॉरी दोस्तों यहाँ खोजने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, एक्सटेंडेड व्यूअर आप खोज लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको एक्सटेंडेड व्यूअर से, यहाँ के उठा के यहाँ
क्या कीजिएगा, यहाँ से बस यहाँ ड्रॉप कर देना है, ठीक है, यहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ टिक लगा दे, सो नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। उसके बाद एक नोटिफाई लेना है आपको, नोटिफाई यहाँ से खोज कीजिए, एक नोटिफाई ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से नोटिफाई वाला कोई भी बटन, यहाँ से नोटिफाई वाला इस तरह का आप ले लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ओके, नोटिफाई में जाइएगा, एक नोटिफाई वाला, यहाँ से नोटिफाई वाला नहीं, नोटिफायर यहाँ से रख दीजिएगा, यहाँ फिर यहाँ नोटिफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, और इसमें जो है कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ इस बैकग्राउंड कलर आप चाहे तो रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद चलेंगे हम अब ब्लॉक्स में जाते हैं। अब आता है ब्लॉक्स अब आ रही, तो जैसे हम लोग ब्लॉक्स में जाएंगे, देखिए ब्लॉक्स में हम लोग क्या क्या किए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले स्क्रीन वन पे जाएंगे हम लोग, ओके स्क्रीन वन पे जाएंगे, तो वीडियो को थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, एक मिनट, तो ओके दोस्तों मैं आज यहाँ कंप्लीट कर देते हैं, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, अगला वीडियो में बताऊंगा कि उसका ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक है, ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।